किया कि ना बजू बजू आपकी दस्ती में। अरे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, अपनी से मदद मांगते हैं। मैं आपकी तरफ से अपनी तमाम तहसील नसरदार की सिटी की तरफ से तहसील की तंजीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह साल साल में जब भी नमाज शोर के बारे में बात हो, महंगाई के बारे में बात हो, तो तहसील हसन अब्दाल ने और जिला अदर ने हमेशा उनकी आवाज पे लबैक किया। आप लोगों ने 8-9 महीने से देख लिया है कि जो इंपोर्टेड हुकूमत आई गई है, आई पर नाफिज की गई है, वो किसने की गई? वो सिर्फ इस वजह से किया था कि इस मुल्क में जो लीडर था वो अवामी लीडर था, वो 22 करोड़ की आवाम का लीडर था, उसकी आवाज थी। उसने 3 साल जो गुजारे उसने साबित किया है कि जो 70 साल से इस मुल्क में हो रहा था वो गलत हो रहा था। जब भी ये मुल्क बनना है तो किस बात के लिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे लोगों ने अपनी जानें दी है, औरतों ने माओं ने अपनी इज्जतें खोई दी, मिला क्या हमें गुलाम मुल्क। हम 70 साल से आवाज जाती रही है लेकिन हमें ये बात हमारे सियासतदानों ने उठने नहीं दिया। जब इमरान खान आया उसने पूरी कौम को यह एहसास दिलाया कि हमें मुल्क मिल गया है, हम हजूम है लेकिन हम एक कौम नहीं बन सक रहे। हम पे जो सियासतदान आते थे वो सिर्फ एक हुकूमत करने के लिए आते थे, वो अवाम को अपना गुलाम बनाने के लिए आते थे, इसलिए सियासत में आया और उसको पिछले 25-26 साल से रोका जा रहा था। लेकिन 2018 के अंदर आप लोगों ने वोट देके साबित कर दिया कि आप लोग इमरान खान के साथ हैं। वो दिन रात यही सोचता था कि मैं अपनी आवाम का किस तरह मदद कर सकता हूँ, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई फैक्ट्री का मालिक हो, वो यही सोचता था कि यार मैं अपने मुल्क को आगे किस तरह लेके जाऊँ। और उसने कोशिश की, कोविड आया पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन इमरान खान ने लॉकडाउन नहीं किया। उसकी एक सोच थी कि मेरे मुल्क के लोग मजदूर पेशा हैं, वो सुबह निकलते हैं अपनी रोजी के लिए, शाम को अपने पैसे निकाल तो बच्चों को खिलाते, यही वजह थी। वो यूएन में गया, खत्म लघु से बात की, किसी ने हिम्मत नहीं थी बात करने की, इमरान खान ने कदम उठाए। उसने वहां ये भी बात की कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पे जंग नाफिज की गई तो हम लड़के दिखाएंगे। मेरे भाइयों क्या कसूर था उसका? वो आवाम का सोचता था, इस 22 करोड़ की आवाम का सोचता था, यही कसूर था। सरकार आ गया, मैं तो कबूल नहीं था, वो चाहता था गुलाम बनाओ, उसने कहा ना मैं गुलाम हूँ ना मेरी कौम गुलाम बनेगी। इंशाल्लाह जो मैं जोश जुनून जज्बा दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और पता है इमरान खान की होगी इंशाल्लाह। आखिर में मैं मेरे साहब का और तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सपोर्ट की और इस रैली को कामयाब किया। और इंशाल्लाह ताला जो गिरफ्तारियों की जो लिस्टें बन रही है, फिक्र ना करें, ये जो तूफान नजर आ रहे हैं नजर आएगा।